हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। और स्टूडेंट्स, आप लोग को हम बता देते हैं कि सबसे पहले आप लोग के क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है, कि सर डीसीईसी के बारे में आप पूछ रहे थे, ठीक है, डीसीईसी के बारे में, ठीक है। देखिए, और एक बच्चे का क्वेश्चन था बीसीईसी के बारे में, बीसीईसी के बारे में कि सर डीसीईसी और ये बीसीईसी, ये दोनों को अगर देखा जाए तो डीसीईसी बीसीईसी जो है ये दोनों का एग्जाम हो चुका है, ठीक है। 2024 में अगर देखा जाए तो 24 में दोनों का एग्जाम जो है हो गया, लेकिन अभी तक काउंसलिंग डेट नहीं आया है, ठीक है। दोनों का काउंसलिंग डेट, चाहे पीएम हो चाहे पीएमएम हो, ठीक है, पीएम पीई का हो चुका है, ठीक है, पॉलिटेक्निक वालों का। हम बात करेंगे डीसीईसी में सिर्फ पारा मेडिकल का, किसका बात करेंगे डीसीईसी में, पारा मेडिकल का, ठीक है, और बीसीईसी का बात करेंगे। तो ये दोनों का काउंसलिंग अगर देखा जाए, काउंसलिंग तो दोनों का जो काउंसलिंग डेट है, अगर हम बात कर ले डेट का, तो ये डेट अभी तक नोटिस नहीं दिया गया है, लेकिन एक कंफर्म नोटिस नहीं आया, कंफर्म नहीं आया, लेकिन एक नोटिस आई है जिसमें यह बताया गया है कि काउंसलिंग जो है बीसीसी और डीसीसी दोनों का जो काउंसलिंग होने वाला है, वो काउंसलिंग जो है 14 अक्टूबर के बाद से होगा। कब से होगा? 14 अक्टूबर के बाद से, याद रखिएगा, 14 अक्टूबर के बाद से। अगर पहले आ जाए काउंसलिंग डेट तो अच्छी बात है, लेकिन एक नोटिस आई है और इस नोटिस में बताया गया है कि 14 अक्टूबर के बाद जो है काउंसलिंग होने की संभावना है। और ये क्यों ऐसा दिया गया नोटिस, एक नोटिस ईमेल के, आप चाहे तो ईमेल कर सकते हैं, ईमेल के बाद नोटिस आएगी। तो ये नोटिस इसलिए आई है क्योंकि अभी जो काउंसलिंग डेट चल रही थी, वो काउंसलिंग डेट अभी हो रही थी पीजी वालों का, किनका था, पीजी वालों का। आज जिनों पीजी में आते हैं, होम्योपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ आते हैं, आयुर्वेद आते हैं, एमबीबीएस आते हैं, यूनानी आते हैं, तो उनके लिए जो है ये काउंसलिंग डेट चलने की वजह से जो है आप लोग का काउंसलिंग डेट रोका गया था, ठीक है। पारामेडिकल का और बीसीसी का दोनों का काउंसलिंग डेट रोका गया है। अब ये दोनों का काउंसलिंग जो है, दोनों को सेकेंड राउंड आ गई है, बस दोनों का जैसे ही मोप अप हो जाएगा, तो मोप अप होने के बाद 10 अक्टूबर तक इन लोग का मोप अप होगा, उसके बाद 14 अक्टूबर से आप लोग की काउंसलिंग डेट आनी शुरू हो जाएगी। और आप लोग अच्छे से काउंसलिंग कराइएगा। काउंसलिंग में लगेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर आप काउंसलिंग कराते हैं तो काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, सबसे पहले ये बात होती है। और जितने स्टूडेंट हैं, डॉक्यूमेंट सारा तैयार करके रखें, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेंगे कि अगर आप इंटर पे हैं तो 10th और 12th का मार्कशीट रखिएगा। 10th 12th का अगर देखा जाए तो काउंसलिंग में मार्कशीट रखिएगा, ठीक है। फिर आपको कॉलेज चुनने के लिए दिया जाएगा, कॉलेज चुन लीजिएगा। उसके बाद आप अगर पीएम दिए एग्जाम, चाहे पीएमएम एग्जाम दिए हैं तो इन पीएमएम का, या आप बीसीसी का एग्जाम दिए हैं तो बीसीईसी का एडमिट कार्ड रखिएगा। क्या रखिएगा? एडमिट कार्ड रखिएगा, ये लगेगा काउंसलिंग में, ठीक है। अगर आप जो है एग्जाम फॉर्म भरे थे तो फॉर्म भरते वक्त पार्ट ए और पार्ट बी दो को रिसीविंग मिला था, वो पार्ट बी रिसीविंग जरूर रखिएगा। उसके बाद आती है आपका, अगर सीएलसी उपलब्ध है तो जरूरी, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। सारे एडमिशन के समय डॉक्यूमेंट लगे तैयार रखिएगा, ठीक है। ये नहीं रहेगा तो नहीं होगा बाबूआ, पार्ट ए पार्ट बी रिसीविंग। उसके बाद रैंक कार्ड जरूरी है, उसके बाद ये सारी चीज, और ये फोटो तो लगेगा ही, आपको फोटो लगेगा, फिर आपका आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड भी लगेगा, ठीक है ना, आधार कार्ड लगेगा। तो ये सब जो है ना डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, अभी से तैयार कर लो, ठीक है, बढ़िया रहेगा।
तो काउंसलिंग का डेट याद रखिएगा 14 के बाद आने की संभावना